नमस्कार, JNI न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का अग्रवाल। बाराबंकी जिले के मौलाना अहमद सलमान समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री फरीद महफूज किदवई ने बाराबंकी के लकपेड़ा बाग मैरिज लॉन में की प्रेस वार्ता। ब्लॉक प्रमुख के हुए चुनाव पर बीजेपी पार्टी पर लगाया आरोप। आइए देखते हैं अयोध्या मंडल रवि वर्मा की रिपोर्ट में। फतेहपुर ब्लॉक में अनिल वर्मा निर्दलीय चुनाव लड़के जीते हैं। ये मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि मैंने उनको चुनाव लड़ाया है। मेरा संबंध समाजवादी पार्टी से है और आगे रहेगा। हमें इस बात पे बहुत अफसोस है, खेद आता है कि राजनीति भी जो है उसको अगर ईमानदारी से साफ सुथरी की जाए तो बड़ा अच्छा लगता है। कल जब अनिल वर्मा यहाँ प्रमाण पत्र लेने आए, उनकी गाड़ी आगे थी, सीधे आदमी है, उसको समय बहुत टेम्परेचर है, वो घर पर पड़ा हुआ बहुत ज़्यादा है 3 दिन से, तो हम लोग गाड़ी पीछे थी, वो अंदर चले गए, हम लोग ढूंढा किए। उनको जैसे ही प्रमाण पत्र मिला तो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और जिला पंचायत के अध्यक्ष, मतलब और सब जिम्मेदार पदाधिकारी, उन्होंने उसको अपने उसको आगे ले कर बीच के और उसकी फ़ोटो खींची, और फ़ोटो खींचने के बाद ये लैंग्वेज कर और फ़ोटो खींचने के बाद उसको ये दिखाया कि अनिल कुमार वर्मा भारतीय फतेहपुर ब्लॉक से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विजयी हुए हैं, ये प्रमाण पत्र लेने आए हैं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से ये सवाल करना चाहता हूँ कि ये बतावें कि उनकी जो अधिकृत सूची है उसमें ओम प्रकाश वर्मा का नाम है। ओम प्रकाश वर्मा चुनाव लड़े, 51 वोट पाए, अनिल वर्मा 56 वोट पाए। चुनाव हमने लड़ाया, निर्दलीय लड़ाया उनको। हम समाजवादी पार्टी के हैं, लेकिन फिर भी हमने समाजवादी पार्टी का किन्हीं कारणों से उनको प्रत्याशी नहीं बनाया, तो समाजवादी पार्टी ने उनका नाम नहीं डाला। कोई बाइट कोई चल रही हो वो अपनी तरफ से चला दे, लेकिन इन लोगों को अपने हारे प्रत्याशी को इतनी जल्दी भूल गए और एक जीत निर्दलीय जीता हुआ प्रत्याशी जिसका नाम जिसका टिकट इन्होंने नहीं दिया था उसका नाम प्रदेश तक चला भारतीय जनता पार्टी में, और जब वो जीत गया तो वो उनकी पार्टी का हो गया। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि ये प्रकाश वर्मा कौन है, इनका रिजल्ट बता में क्या हुआ, ये उनके अधिकृत प्रत्याशी हैं, पूरा जिला क्या पूरा प्रदेश जानता है। तो इस प्रकार की ओछी राजनीति का हम विरोध करते हैं और आप लोगों के माध्यम से ये सवाल करना चाहते हैं कि अगर एक आदमी को अगर आप जोड़ लोगे तो उसमें आपकी कौन सी गिनती बाराबंकी में बढ़ जाएगी। बाराबंकी जनपद हमेशा बहुत साफ सुथरी राजनीति कर रहा है, यहाँ कभी कोई गुंडाई नहीं हुई है, चाहे राम सेवक यादव के टाइम से लेकर जमीलुर रहमान किदवई मुफना किदवई के ससुर हों, चाहे बाबू राम सिंह हों, यहाँ कभी बैड एलिमेंट को राजनीति में पनपने नहीं दिया गया और झूठ की राजनीति अब शुरू हुई है। ये तो आप बताइए, आपने ऐसा माहौल देखा है कभी? देखिए, हम लोग बड़े गुरूर से ये बात कहते हैं या कहते थे कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और जो हमारा संविधान है इसने एक एक चीज़ के ऊपर पूरा ध्यान दिया है, और इस संविधान की नकल बहुत से देशों ने की, हमारे संविधान की नकल की, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की नकल की। अब जो आज हो रहा है वो डेमोक्रेसी नहीं है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई विरोधी दल का हूँ, लेकिन सवाल इस बात का ये है कि जिस तरह दिन दहाड़े पकड़ के ले जाते हैं, ले जाके ज़बरदस्ती वोट डलवा देते हैं,
नहीं देते हो तो अभी से रामनगर में राजन चुनाव लड़ने जा रहा था समाजवादी पार्टी से, उसके ऊपर दफाएं जो लगाई गई हैं अपहरण की और गाली गुप्ता जी ने जान से मारना, इसके लगा दी गई सिर्फ इस बात पे कि बैठ जाओ। तो खैर हम लोग वहाँ डीएम के पास गए, डीएम से कहा, डीएम साहब ने इसको सुना और हम उनके आभारी हैं इस मामले में कि उन्होंने बड़े गौर से हमारी बात सुनी। तो अब है कुछ नहीं साहब, जिस तरह खेल हो रहा है अगर यही चलता रहा तो डेमोक्रेसी नाम की चीज़ इस मुल्क से रही नहीं है। और भाजपा का जो एम है वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करना और उसके बाद अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन उनका है उसको लागू करने का इरादा है। लोकतंत्र पे भी हमले हो रहे हैं, चौथे स्तंभ पे लोकतंत्र हमले किस चीज़ पे नहीं हो रहे हैं, सवाल ये है। लोकतंत्र पे तो हमला है ही है और लोकतंत्र पे हमला अब जैसे उन्नाव में हमारे एसडीएम साहब सीडीओ साहब जो हैं यहीं से गए हैं, क्या नाम है, बाराबंकी से दौड़ा दौड़ा के जिस तरह मार रहे हैं, क्या ये किसी अधिकारी के लिए ये मुनासिब बात है? चाहे जो कुछ भी हो, पुलिस मौजूद थी, अगर उसने कोई गड़बड़ गलत काम किया था, एक तो बेचारा पत्रकार था उसने फ़ोटो ले लिया था, तो सीडीओ साहब मार रहे हैं और सीडीओ साहब के साथ उसमें आप देखिएगा वायरल है वो, उसमें वो जो हम बीजेपी के एक्टर हैं वर्कर है वो भी मार रहे हैं।